करना चलाए तो बेहतर होगा। और उसको सोच अगर रुचि है तो बुरा से खेल देकर है उनका भी और बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा स्प्रे से लेकर बैंडेज औषधि का काम कर जाता है ये। निकलने का प्रयास और निकल गया। और दिल्ली वालों ने पूरा शासन प्रणाली को चलाने का बयां करती है। यहां पर अब शुरू होने जा रहा है खेल कबड्डी। नंबर आपकी तरफ से तुषार चल पड़े हैं राइट एंड का रेडर है और इरादा साफ है इनका। डीप जाकर बोनस का अटेम्प्ट किया था लेकिन दो टच खा गया है। कॉर्नर का नंबर एक खिलाड़ी जाएंगे बाहर। पहले ही रेड में पहला आक्रमण और यह है तुरुप का इक्का कोरबा के लिए। कोरबे के टकसाल खजाने का ये कोहिनूर का हीरा, इसको अपने कोर्ट में रख लिया मतलब लाइफ झींगा लाला। लेकिन इन्होंने भी सफलता हासिल करी है। आसमानी इशारा आता हुआ एम्पायर का। और जवाबी आक्रमण में नंबर 181 का खिलाड़ी, यह भी राइट एंड का रेडर है और तेज तर्रार है और खेल की परिस्थिति को भली भांति पहचानता है यह खिलाड़ी। यूनिवर्सिटी गेम हो या नेशनल गेम ये खिलाड़ी खेल चुका है। इनका फुटवर्क यही बयां करती है क्योंकि फुटवर्क की जादूगरी है इनके पास। और कोरबा की तरफ से फिर से वही खिलाड़ी जिन्होंने अपने स्ट्राइकिंग रेड में ओपनिंग रेड में ओपन किया था, अंकों का जो सिलसिला जारी था उसको जारी कर दिया था, अपने पक्ष में मोड़ा था। और जवाबी आक्रमण में नंबर एक के खिलाड़ी परच्यूट करने का प्रयास था कोरबा के खिलाड़ी को लेकिन परच्यूट करने का मौका नहीं दिया है। और पहले हाफ का पहला लुत्फ उठा रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ से चयन किया हुआ सभी ऑफिशियल्स हैं जिनकी पहली निगाहों के बीच मैच को संपन्न कराया जा रहा है। बोनस प्राप्त किया है कोरबा तो कड़ा मुकाबला बहुत ही टफ देखने को मिलेगा आप सभी को। और ये डुअल राई का रेड है, एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई। और ये फंसा खिलाड़ी, बॉडी वेट की वजह से जुगाड़ हो गया इनका मिड लाइन के और एक ही खिलाड़ी को आउट करने में सफल हुआ है। तो रेड के दौरान डीजे वाले बाबू आप थोड़ा स्पीकर न चलाएं तो बेहतर होगा। और उसको बेहतरीन टेकल किया है, नहले पे दहला फेंक दिया है दिल्ली वालों ने। दिल्ली काफी दूर है लेकिन कोरबा के लिए नहीं है, कोरबा के पास बिजली है। एक बार बटन दबाएगा भैया बिजली ऑफ हो जाती है लेकिन हमारे पास जनरेटर है पीछे रखा हुआ है, दिक्कत नहीं होगा। लिहाजा नंबर 181 नंबर का ये खिलाड़ी है, मुख्य हथियार है दिल्ली के लिए, दो धारी तलवार। और दिल्ली के टुकड़ी से निकला हुआ वो जाबाज खिलाड़ी और इस 17 नंबर के खिलाड़ी मूलचंद मार को छत्तीसगढ़ के टॉपर टीमों में शुमार किया जाता है। कोरबा और उसका अतुरूप का एक्का, सोच अगर रुचि है तो बंदा साहों का साह। और आपको बताना चाहूंगा हमारे जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सरिता भारती जी के द्वारा हमारे समिति को 10,000 का सहयोग प्राप्त हुआ है और ऐसे ही सहयोग से आज यह मंच सुसज्जित दिख रहा है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बराबर के मुकाबले और भाजपा मंडल से श्रीमती रेशमा सोनवानी जी भाजपा नेत्री, उनका आगमन हुआ है, उनका मैं तहे दिल इस्तकबाल करता हूं। युवा कबड्डी मिस्टर मनहरन नौरंग जी प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे ग्राम भटगांव का। तो कोरबा और दिल्ली, जहां दिल्ली 4 तो वहीं कोरबा 5 पर है, तो 4-5 के मुकाबले कोई भी टीम बहुत बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर पाई है एक दूसरे के विरुद्ध में। और बोनस प्राप्त किया है और बराबर का स्कोर हो जाएगा, लेवल पर है बराबरी।
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारे दर्शक इतने कबड्डी के प्रिय खिलाड़ी देखने के लिए आए हुए हैं, जो वो बहुत ही शांतपूर्ण से खेल देख रहे हैं, उनका भी और बहुत बहुत धन्यवाद। लायन जंप लगाने का प्रयास था, अकेले 181 नंबर के खिलाड़ी ने आकर उसको सामने से थाई होल्ड मारने का प्रयास था उनका। अगर जंप नहीं लगाता तो बिल्कुल थाई में जाकर ये टेकल सक्सेसफुल होने का भरपूर चांस था, लेकिन उसको नाकाम कर दिया है। लंबे गत करेडर कोरबा के लिए अपर फजल मकसुदलू की तरह दिखने वाला ईरानियन प्लेयर के माफिक है ये खिलाड़ी, लिहाजा नंबर 17 की जर्सी पर पावर हाउस कोरबा का 17 नंबर का ये खिलाड़ी मूलचंद मार्को। और आज के डिफेंस में खेल रही है, जी बोलिए सर बोलिए। आपको बताना चाहूंगा हमारे पास जिस तरह पुलिस बल है उसी प्रकार डॉक्टरों का टीम भी बैठा हुआ है यहाँ, क्योंकि यह खेल खतरों का खेल है। तत्काल इलाज के लिए पूरा फास्ट ट्रैक का सामान सहित डॉक्टर का टीम बैठे हैं और जीवन रेखा हॉस्पिटल के तरफ से पूरा स्प्रे से लेकर बैंडेज मेडिसिन दिया जा रहा है। कॉर्नर पर जाना खतरे से खाली नहीं होता है, कॉर्नर पर भी टीम का डिफेंस हो, कॉर्नर सबसे खतरनाक पोजीशन है कबड्डी का, क्योंकि आप कॉर्नर पर जाएंगे तो आपको टेकल करने के लिए सेकंड कॉर्नर और ब्लॉकर और साथ में डमी का वो जादूगरी देखने को मिलता है। लंबी स्ट्रेंथ के साथ हैंड टच करने का प्रयास किया था और ईरान का वो जो खिलाड़ी है अबल फजल मकसूदलू, उसी का तरह दिखने वाला ये खिलाड़ी है कोरबा का। तो बहादुर का साथ किस्मत की साथ हमेशा रहती है। 6-8 के मुकाबले अपने आप को 2 अंकों के साथ स्थापित किया हुआ है कोरबा। रोटी और बासी की टक्कर में बासी फिलहाल हावी हो गया है और बासी की जो महत्व है उसको आप सभी जानते हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, कितना औषधि का काम कर जाता है ये। निकलने का प्रयास और निकल गया, चारों खाने चित कर दिया, खिलाड़ी जाएंगे बाहर, टाटा बाय बाय। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बहुत महंगा पड़ी हमर जगह तुम लड़िया। और बेहतरीन टैकल, सेंट्रल कवर के खिलाड़ी निकल कर मामला तमाम कर दिया है और लोना प्राप्त कर लिया है। और पहले हाफ का ये पहला टाइम आउट आता हुआ, तंत्र मंत्र चलता था लेकिन अब के जमाने में यंत्र आ गया है, अब कबड्डी के दौरान षड्यंत्र भी आ गया है, तंत्र मंत्र यंत्र उसके बाद षड्यंत्र। ये काफी रोचक मुकाबले होने वाले हैं, अभी तो सेकंड हाफ का पूरा रोमांच बाकी है मेरे दोस्त। तो इसको टैकल करने का प्रयास, लंबे गत का रेडर है और दोनों अंकों के साथ अपनी खोज कर वापसी किया है, पूरी तरीके से दिल्ली के मैदान में खलबली मचा दिया है ये लंबे गत के रेडर कोरबा का। और इनका हाथ कानून से भी लंबे हो गए हैं भैया, फिलहाल दिल्ली के विरुद्ध में। तुषार नंबर 8 की जर्सी पर एडवांस टिकल के लिए जाएंगे तो गलती हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लालच में ना जाएं। और ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टिकल करने का प्रयास है लेकिन असफल, टच नहीं, अंपायर का जो निर्णय आ रहा है। आप खिलाड़ी भाव से खेले, अंपायर वो बहुत अनुभवी है, 3 अंकों का वे सुपर रेड किया है दिल्ली के रेडर ने, आ गया है। एम्पायर महोदय इतने अनुभव है, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग इज मैच दिल्ली एंड कोरबा पावर हाउस, वेरी टफ। 17 नंबर का जर्सी स्ट्रगल पर है, इरादा बदला है और अपने कोच की वापसी करना चाहेगा। ये 4 के डिफेंस में खेलेंगे और डिफेंस इतना तगड़ा है कोरबा के 15-10 के मुकाबले, अभी भी 5 अंक से पीछे है लेकिन वापसी करने का काम भी होता है, फुल समय है अभी भी है इनके पास। और 5 अंक का जो बढ़त है वो सेकेंड हाफ में कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं होगी, क्योंकि अभी फर्स्ट हाफ का खेल चल रहा है। तो जोखिम पर
नहीं जाना चाहेगी कोरबा, ये टेकल करने का प्रयास असफल हो जाएगा और मुख्य डिफेंडर कोरबा का बाहर जाता हुआ, तो इसको रिवाइवल दिलाना होगा और ये डू ऑर डाई में फंस गया है ये खिलाड़ी, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा इनको, इनके पास है वो इसके अंक निकालने का, लेकिन उतने ही तगड़े डिफेंस है दिल्ली के पास भी। ये बेहतर है, छत्तीसगढ़ की भोरेबाजी इतना ताकतवर है कि निपटना थोड़ा मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया वेरी इंटरेस्टिंग, कॉम पर सर पे कफन बांध करके सनी देवल जैसे सरदार चला खटाक, नंबर सात की जर्सी पर दहाड़ रहे, चुनौती पेश कर रहे हैं बार बार, तो दिल्ली वालों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है सुरेंद्र कंवर। आदिवासी भी इलाके से बिलोंग करते हैं, आदिवासियों का इतिहास देखे तो 50 करोड़ साल पुराना है मेरे भाई, पूरे ब्रह्मांड में। नंबर 181 के ये खिलाड़ी स्वरूप का इक्का है दिल्ली के लिए और बखूबी इसको इस्तेमाल किया है दिल्ली के कैप्टन ने, सेना नायक ने, कि कहां से अंक बनाना है, लेकिन यहां से नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। बहुत जोरदार टैकल, बहुत जोरदार टैकल, एकता का भाव दिखता हुआ इस टीम में, डिफेंडर की पकड़ और मगर की जकड़, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में शोहरत कमाने का और घर बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, लेकिन कबड्डी में वापसी होता है। संजीवनी कबड्डी के अंतर्गत हमारे पूरे भारत में मैच खेला जाता है, कबड्डी का अनेकों नाम है, लेकिन 17 नंबर के खिलाड़ी मूलचंद मार्गो हर चीज को खारिज कर देता है, जब इसके इर्द गिर्द जीत की जो समीकरण जब घूमता है तो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश ना करें आप, हमारे प्रशासन के द्वारा इतना बढ़िया व्यवस्था किया गया, हमारी कमेटी के द्वारा और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान भी तैनात है, बहुत बढ़िया यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो आप सभी को ध्यान में रखते हुए मैच का लुत्फ उठाएं। और ये सुपर डू ऑर डाई का रेड है, थर्ड रेड है, 5 के डिफेंस में बोनस अवेलेबल नहीं रहेगा सुरेंद्र के लिए, तो टच पॉइंट के लिए जाना होगा, टच पॉइंट बनाने में खतरा है, टच पॉइंट के लिए जाना यानी समुंदर से मोती निकालना, और मोती निकालने के फिराक में सरेंडर कर बैठे सुरेंद्र और रिमांड पर ले लिया दिल्ली ने, और कितने टाइम में इनका बेल होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जब तक मूलचंद है कोर्ट के ऊपर और नंबर 8 की जर्सी मुख्य डिफेंडर अपने टीम का राइट कॉर्नर का खिलाड़ी, ये अनहोनी कौन ही कर देगा। 17-12 के मुकाबले बढ़त पर चल रही है, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी राइवलरी है, कहानी है, और क्या कहानी लिखा जाएगा भटगांव के इतिहास के पन्नों पर, आप सभी इसका गवाह बनने जा रहे हैं आज। एक बार फिर शेर चला है अपने काम पर सर पे कफन बांधकर और सनी देवल जैसे सरदार चल पड़ा है कोरबा के लिए, टैकल करने का प्रयास था और मिस टैकल हो गया, परचोट खिलाड़ी, लेकिन टैकल हो गया। इतने शानदार तरीके से, लेकिन बोनस का अटैम्प किया था मूलचंद, उसका डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इस टैकल को देख के नवा चाउर के चीला, पताल के चटनी और शक्ति जिला, मन भर के तुम जिला, ये सभी मुहावरे हैं हमारे कवि लोग, ये सब चीज को दर्शाते हैं सम्मेलन होने के बाद। ये बहुत बड़ी राइवलरी है कहने के मतलब है, लेकिन खेल में जब से प्रोफेशनल कबड्डी, मैच्योर कबड्डी का आगमन हुआ है, तब से इन सभी चीज़ों को मैच में उतना प्रसारित नहीं किया जाता है, ऑफिशियल तरीके से कमेंट्री को लॉन्च किया गया है। और नंबर 8 की जर्सी पर दिल्ली का खिलाड़ी, दबंग दिल्ली, राजधानी दिल्ली, तो दूसरी तरफ है पावर हाउस, 36,000 मेगा हार्ट पावर, 13-18 के मुकाबले मूलचंद लेफ्ट एंड का रेडर है, ऊपर से डू ऑर डाई है और पूरा भरा पूरा घर है, मैं कहूंगा दिल्ली के लिए, तो बोनस का चांसेस बनेगा यहां पर, साफ सुथरा बोनस
जब होगा तब सिग्नल आएगा एम्पायर का थंब अप करता हुआ। आना धारा पकड़ना, ये कंडीशन चल रही है अभी दिल्ली के मैदान पर। बोनस प्राप्त कर लिया, बिल्कुल श्योर है। मिस्टर विजेंद्र निराला जी आप मंच पर आए और मिस्टर टंडन जी से संपर्क कर ले। और अंक लेकर वापिस अपने कोर्ट के ओर ना पड़ सकता है। तो मूलचंद को रिवाइवल कराना होगा अपने टीम के खिलाड़ियों को। सुरेंद्र कंवर अभी भी बाहर है, इनके में तेज दमखम है, बहुत बड़ा रेडर है। ये राइफलरी बदल देगा और ये जाएंगे बाहर। थाई पे गया खिलाड़ी और मूलचंद आउट होकर कोर्ट के बाहर जाते हुए। थाई होल्डर सबसे खतरनाक होल्ड माना जाता है। इस प्रकार से लगभग बराबरी पर पहुंच गया है दिल्ली। अब यहां से राइवलरी बदले का कहानी बदलने वाला है और ट्विस्ट नहीं आएगा, तो इस चीज को आप समझिए। खिलाड़ी हो, खेल से खिलाड़ी है, खिलाड़ी भावना का परिचय दीजिए और बिल्कुल अपना नाम रोशन कीजिए। इतने दूर आप आए हुए हैं, लेकिन मूलचंद को काम करके देना होगा, कमाल करना होगा। और अपने टीम के लिए जो बढ़त था उसको आप बरकरार नहीं रख पाए थे, लेकिन ब्लाइंड हुए एन वक्त पर। और मुख्य खिलाड़ी जो था मुख्य हथियार कोरबा के लिए, फिलहाल बेंच पर जगह सुनिश्चित कर दिया है दिल्ली ने उनके लिए। बोनस करने का प्रयास है नंबर 8 के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन हिम्मत जुटाना होगा डीप जाने के लिए। एक बार फिर से रेटिंग डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी होगा सुरेंद्र कंवर के ऊपर। और साफ सुथरे तरीके से बोनस हुआ है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन नहीं हुआ है। और ये खिलाड़ी, इसको समीकरण बदलना होगा अपने टीम के लिए। पहली बार कोरबा बढ़त पर पहुंची है दिल्ली कोरबा के अगेंस्ट, और इस बढ़त को क्रॉस करनी होगी कोरबा को, तब जाकर आप इस मैच में बने रहेंगे। और कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में, एकदम टफ गेंद, कसम मुकाबला। धैर्य बनाकर रखना होगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। बेहतरीन किक फायर किया था और कॉर्नर के खिलाड़ी को आउट करने में सफल हो गया, तो दो खिलाड़ी फिर से बाहर गए हैं कोरबा के लिए। तो सुरेंद्र को काम करके देना होगा, खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं मूलचंद उसका मुख्य खिलाड़ी, उसको रिवाइवल कराना होगा। अगर उसका रिवाइवल हो गया तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक एक बढ़त हासिल कर लेगी कोरबा, निश्चित रूप से मैं कहूंगा। और जो मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ है फिलहाल एक दो अंकों का लीड, उसको आप कवर कर सकेंगे। जितना जल्द हो सके मूलचंद को वापस लाना होगा, पहला लक्ष्य ही होना चाहिए, क्योंकि एक बार बढ़त पर चली गई है दिल्ली तो निश्चित रूप से उस दबाव को बरकरार रखना चाहेगी आपके ऊपर, तो आप उसको रिलीज कर दीजिए अपने ऊपर से। नवीन वैष्णव जी पार्षद वार्ड क्रमांक 5, आपका आगमन हुआ है, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं समिति के सदस्यों से अनुरोध करता हूं वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद नवीन वैष्णव जी का आगमन हुआ है। समिति के सदस्य ससम्मान उनको मंच तक लाने की कृपा करेंगे। और नंबर 8 की जर्सी दिल्ली के लिए, 4 डिफेंडर कोर्ट के अंदर मौजूद है, तो डिफेंस में वो काम करके देना होगा कोरबा को, तब कहीं जाकर बात बनेगी। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं हमारे दर्शकों से, जो गेट कम से कम गेट को छोड़ दें, हमारे अतिथि आते और जाते रहते हैं। नवीन वैष्णव जी का आगमन मंच पर हो रहा है। टेक्निकल पॉइंट।
और बब्बर शेर की वापसी हो गई है। जब दो शेरों की भिड़ंत होती है तो शेर भी जीते हरमून चंद मार को वापसी किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक अंक का जो लीड है इसको अगर कवर कर लेती है तो एक टाई ब्रेकर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बराबर वापसी किया है, दहाड़ा है दिल्ली के मैदान पे आके मूलचंद मार को। इस बराबरी के अवसर पर स्कोर लेवल हो गया है और लेवल स्कोर बराबर होने पर रोमांच पैदा हो गया है दर्शकों के अंदर। चार चांद लगा दिया है, अगर इसको रोक लिया तो लाइव थींगा लावा। क्या माहौल है देखते ही बनता है दर्शकों का उत्साह पूरे मैदान में। बराबरी पर दोनों टीमें और अंतिम क्षण का खेल आना बाकी है निश्चित रूप से मैं कहूंगा। तो अंतिम क्षण में टाइम आउट की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है प्रो कबड्डी नियम के अनुसार। पांच की डिफेंस है, बोनस नहीं मिलेगा तो टच पॉइंट के लिए जा सकते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर टाई ब्रेकर का मुकाबला होने का चांसेस बढ़ जाएगा दोनों टीमों के बीच में। अभी भी समय है, मूलचंद सीनियर खिलाड़ी है और सीधी केपीएल का खिलाड़ी है और यहाँ पर बराबर दोनों टीम।